हाँ जी तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि नेचर का एक डिजाइन है वो अपने लॉज अपने नियम के अनुसार चलता है उसके सब नियम जो है तय है नानक ने भी बोला है कि सब कुछ हुक्म से चलता है हुक्म हो हुक कह लो नियम बोल लो कानून बोल लो लॉस बोल लो कुछ भी बोल लो है सब एक ही चीज तो वो बने हुए हैं सब है? अभी जैसे हम हम पूछें कि जो भी ऊपर फेंकते हैं वो वापस धरती पे आ जाती है या न्यूटन लॉफ लॉ ऑफ क्या बोलते हैं जो एप्पल एप्पल उनका फर्स्ट लॉ एप्पल ऊपर से गिरा तो उनके सर के ऊपर ही गिरा तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि इधर उधर क्यों नहीं गिरा सर के ऊपर ही क्यों गिरेगा तो वो सब कुदरत के कानून है ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ पुल करती है इसीलिए हम इसीलिए वो चीजें जो है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाती है तो लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोल पुल कहाँ से आया है हमने ये तो जान लिया साइंस में कि ग्रेविटेशनल पोल है लेकिन कहाँ से आया वही नेचर का डिजाइन है जब नेचर को डिजाइन किया गया तो ये सब चीजें उसमें हैं अभी हम मैं शुरू ही जब जी साहब से करता हूँ गुरुबानी से इसको थर्टी फोर्थ पौड़ी है राती रुत्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस्विच थाप, तिस्विच धरती थाप रखी धर्मसाल मतलब इस नेचर में रात आती है दिन आता है रुती रुत, रुते चेंज होती हैं सर्दी गर्मी बरसात बसंत है वो सब रुते चेंज होती हैं है तिथि तारीखें चेंज होती हैं वार चेंज होते हैं, हैं जो सात दिन है हफ्ते के वो चेंज होते रहते हैं उसके बाद फिर पवन पानी अग्नि पाताल पवन मतलब हवा पानी जल अग्नि अग्नि का मतलब अग्नि बोल लो एनर्जी बोल लो कुछ भी बोल लो पाताल पाताल इज एनी प्लानट धरती एक पाताल माना गया है धरती थाप रखी धर्मशाल इस सब चीजों को बना के उसमें धरती को एक धर्मशाला की तरह है यानी कि वहां पे लोग आते जाते रहते हैं सारे जीव आते जाते रहते हैं परमानेंट कोई नहीं इसलिए उसको धर्मशाल बोला गया है जो हम अप, हम सोचते हैं अपने घर में रहते हैं वो ठीक है हम परमानेंट बोल देंगे उसको लेकिन कभी किसी धर्मशाला में होटल में जाते हैं तो हमारे लिए परमानेंट नहीं है वो हम आते जाते रहते लोग वहां पे आज आया कोई फिर चला गया फिर तीसरा आया फिर चला गया तो ये सब धर्मशाल तो ये धरती जो है धर्मशाला की तरह है।, है तो ये सब कैसे है रा... पवन पानी अग्नि पाताल पवन की जरूरत पड़ती है उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है अग्नि की जरूरत पड़ती है पाताल जो धरती है उसकी जरूरत पड़ती है कैसे पड़ती है सूर्य इसका पूरा कंट्रोल लेके बैठा है क्योंकि एनर्जी उसके पास है इस धरती पे जो भी एनर्जी है जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ सूर्य से ही आती है देर इज नो अदर सोर्स प्रत्यक्ष है मतलब इसके लिए कोई डाउट ही नहीं है कि कहीं और से एनर्जी आती है सूर्य ही हमारे को जितनी भी हम कुछ भी हम यूज करते हैं हमारी बॉडी चल रही है हमारे सब जीव आ जा रहे हैं या मोटर गाड़ियां चल रही हैं सब सूर्य के ऊपर चल रही है, चल रही है हम बोलते हैं कि सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है सब सब कुछ बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सूर्य के कारण ही है अगर सूर्य नहीं होगा तो इसमें से कोई भी एनर्जी नहीं होगी तो सूर्य से ही सब कुछ बनता है अभी होता कैसे है समुद्र के ऊपर सूर्य की रुतियां रुत, रुत कैसे चेंज होती है समुद्र के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं या नदियों की ओर पड़ती है किसी भी पानी की ओर पड़ती हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाता है बादल बन जाता है फिर हवा उसको लेके जाती है अलग अलग जगह पे घुमाने फिराने हवा जिधर भी प्रेशर लो होता है उधर हवा उधर ही ले जाती है उसको फिर वहां पे ऊपर जब जाते हैं बादल तो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऊपर टेम्परेचर कम होता है आप फ्लाइट पे कभी जाएंगे ना तो आप उसमें देखना कभी फ्लाइट पे माइनस सेवेंटी डिग्री से टेम्परेचर होता है थर्टी सिक्स थाउजेंड फीट के ऊपर तो जब टेम्परेचर कम होता है तो पानी जम के जम जाता है ऊपर बर्फ की तरह तो जहां पे ज्यादा सर्दियां हैं वहां बर्फ बन के गिरता है जहां पे सूरज की प्रचंड रोशनी होती है वहां फिर बादल पानी बन के बरसता है, है? तो वो ऋतु होती रहती है फिर, फिर, फिर उड़ जाता है पानी फिर सर्दी आ जाती है फिर गर्मी आ जाती है फिर बरसात आ जाती है तो ये पूरा नियम जो चल रहा है ये डिजाइन है उस डिजाइन में क्या क्या काम आ रहे हैं पवन पानी अग्नि पाताल ये चारों चीजें इसके अलावा एक स्पेस ही बची जो कि स्पेस तो स्पेस में ही सब कुछ एग्जिस्ट करता है, है? तो स्पेस के बाहर तो कुछ भी नहीं है, है? जैसे हम बोलते हैं ना ईश्वर के बाहर अलावा कुछ भी नहीं है ऐसे ही स्पेस ही है स्पेस के बाहर है ही नहीं कुछ देर इज नो एंड ऑफ स्पेस ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई आगे दीवार आ गई कोई ऐसा कुछ नहीं स्पेस ही स्पेस है उसके अंदर सारे प्लैनेट्स वगैरह सब चल रहे हैं और धरती पे इसलिए जीव है जीवन है क्योंकि क्यों, यहाँ क्यों, पे पानी है और पवन है ये जीव जो हम रह रहे हैं ये पानी और पवन के बिना नहीं रह सकते हैं तो पानी और पवन की वजह से ही ये सब जीव रह रहे हैं तो धरती का ये होमियोस्टेसिस सिस्टम है अपने आप ऑटोमेटिक रिपेयर और खराब होता रहता है यानी कि कोई कहीं पे इम्बेलेंस आ गया जहां पे लो प्रेशर आ गया वहां पे हवा आके अपना जगह ले लेती है एकदम से तो जैसे आंधी आते तूफान आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ ठीक करना होता है इसलिए नहीं आते हैं कि उनको हमको मारना होता है ठीक है कुछ नेचर में कुछ गलत कर दिया है जो मे भी हमने हमारा भी, हमारा भी उसमें हो सकता है कारण हम हम भी बहुत कुछ नेचर में गलत करते हैं तो नेचर अपने आप को रिपेयर करने के लिए ये सब एक्टिविटीज करता रहता है तो वो रिपेयर जो वर्क है वो नेचर और करता है उसको होम्योस्टेसिस बोला जाता है आप डिक्शनरी में जाके भी देखेंगे तो होम्योस्टेसिस का हमारी बॉडी में भी अचल में बॉडी में होम्योस्टेसिस चल रहा है हमारा सिस्टम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जैसे बाहर बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है तो स्किन जो है वो महसूस करती है कि बहुत गर्म है अभी इसको गर्मी में ही अगर रखेंगे तो हमारी स्किन जल सकती है ना सूर्य से अगर जया तो रहेंगे लेकिन क्या सिस्टम क्या है ये जो गर्मी की इंफॉर्मेशन ब्रेन को ब्रेन जो है हमारा एक कंट्रोल रूम है कस्टमर केयर है, है तो वो उसके पास मैसेज जाता है कि बाहर बहुत गर्मी हो गई है कुछ करो तो ब्रेन क्या करता है को इंफॉर्मेशन देता है कि तुम पसीना छोड़ो पसीना छोड़ो पसीना छोड़ते ही कूलिंग इफेक्ट आता है क्योंकि जो पानी पसीना बाहर निकलता है उस पर हवा चलती है पवन है? जब पवन उसके ऊपर चलती है तो कूलिंग इफेक्ट आता है और बैलेंस हो जाता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं हो पाता है नॉर्मली वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो भी हम हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है अलग अलग रुतों के हिसाब से सर्दियों में वो बिल्कुल अंदर बर्फ के अंदर जाके घुस जाते हैं गर्मियों में बाहर आ जाते हैं तो उनका टेम्परेचर अलग लेकिन जो हम डिजाइन है हमारा डिजाइन अलग है उनका डिजाइन अलग है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड तो हमारा जो डिजाइन ऐसा है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नाइन्टी होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए ये पसीना आता है फिर सूखता है ये बॉडी का टेम्परेचर है अगर ये नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो होता भी है हम कब गलत काम करते हैं या गलत लाइफ स्टाइल करते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं टॉक्सिन मतलब गंदगी उस गंदगी को साफ करने के लिए भी होमस्टे सिस्टम है कैसे कि अभी क्या करती है बॉडी में गंदगी तो डाल दी हमने है? निकल निकल पा नहीं रही है, है उसके लिए क्या करती है बॉडी टेम्परेचर रेज करती है अपनी 98.6 से ऊपर ले जाती है यानी कि 100 101 102 है? एक शुरू में जब फीवर होता है तो एकदम से हाई पीक मारता है एकदम से इसका मतलब जितनी उसमें ताकत होती है एनर्जी होती है उस हिसाब से वो हीट अप करती है बॉडी को जब बॉडी को हीट करती है तो ब्लड थिन हो जाता है, है? ब्लड थिन हो जाता है हीट ब्लड होने की वजह से क्या होता है उसके जो फ्लो बढ़ जाता है और थ्रू क्लीनिंग सिस्टम जो है उसको आ, क्या बोलते हैं बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सारा कचरा किडनी के थ्रू यूरिन में बाहर निकल जाता है आपने नोट किया होगा जब बुखार में रहते हैं तो यूरिन एकदम येलो कलर का आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो कचरा बॉडी का बाहर फेंक रहा है तो हमारा जब फीवर आता है फीवर आने का मतलब है कि इट इज गुड फॉर अस ठीक है हमने पास में गलतियां करी की है जरूर उसको सुधारने के लिए अब ये एक्शन हो रहा है, है? लेकिन गुड फॉर अस इसलिए है क्योंकि वो फीवर ही हमको ठीक करने वाला है सारे टॉक्सिन बाहर निकालने वाला है लेकिन हम क्या करते हैं उस फीवर के टाइम पे बुखार कम करने की दवाई खाते हैं है? मतलब इफ आपको मैं बताऊं मैं तो करीब तीस साल हो गए होंगे दवाई खाए हुए तो दवाई खाने से क्या होता है फीवर डाउन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी तू चुप कर मुझे पता है तेरे से ज्यादा तू ठंडी हो जा मेरे को रेस्ट चाहिए मेरे को आराम चाहिए मेरे को कंफर्ट चाहिए मेरे को प्लेजर चाहिए है, है? ये चाहिए इसलिए मैं तेरे को वापस लेके आती हूँ लेकिन वो कचरा अंदर ही रह गया जब कचरा अंदर रह जाता है उसके बाद क्या होता है लाइफ स्टाइल डिजीज शुरू होती है डायबिटीज है अर्थराइटिस है ये cancer है या हार्ट के प्रॉब्लम है स्टेंट लगते हैं है? जो भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि हम सप्रेस करते हैं नेचर का कॉल को नेचर हमको बता रहा है कि तेरे को बुखार की जरूरत है और तू बुखार आएगा तो तेरे सारे कचरे कचरा बाहर निकल जाएगा ने? लेकिन हम बोलते हैं नहीं मुझे आराम की जरूरत है मुझे बुखार की जरूरत नहीं अच्छा एक बात और है इसमें दो ही चीजें नोट करनी सबको एक आराम करना है जरूर जब बुखार होगा तो और दूसरा डाइजेशन में कुछ नहीं डालना है लोड नहीं कर, डालना है बॉडी के ऊपर तो इससे क्या होएगा बॉडी को रेस्ट मिलेगा एक तो फिजिकली आराम करने से दूसरा रेस्ट मिलेगा डायशन लोड नहीं है डायशन सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है बॉडी में तो डायशन लोड कम कर देंगे तो काम करने को बॉडी को दूसरी तरफ एनर्जी लगाएगा फिर वो तो हीटअप होएगा बॉडी और, और फिर सारा कचरा बाहर निकाल देगा पसीने के थ्रू देखो पसीना कितना बदबूदार आता है जब हम बीमार होते हैं तो नॉर्मली है? इतना बदबूदार नहीं होता लेकिन बीमार होते हैं तो एकदम गंदा पसीना आता है वो भी क्या है वो बॉडी का कचरा बाहर निकल रहा है यूरिन एकदम पीला आता है वो भी बॉडी का कचरा बाहर निकल रहा है तो सब बाहर निकालने के लिए ये फीवर आता है और एक बात और बता दू आपको मैं फीवर उनको ही आता है जिनके अंदर एनर्जी है ये एनर्जी चाहिए फीवर उठाने के लिए जो लोग एक्टिव नहीं है लाइफ में या खाना पीना सही नहीं है स्टाइल या लाइफ सही नहीं है उनकी बॉडी ऐसे हो जाती है कि उनको बुखार आना ही बंद हो जाता है या तो बुखार आना बंद हो जाता है या कहीं को बुखार आता है तो दवाई खा के सप्रेस कर लेते हैं तो बुखार आना बंद होने का मतलब है इट इज नॉट इम्यूनिटी लोग कहते हैं मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है मेरे को भी बुखार नहीं हुआ लेकिन वो एटम बम के ऊपर बैठे हम कभी भी कुछ और प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आने ही वाले हैं इसका मतलब कोई कुछ भी जो डायबिटीज बोल लो अर्थराइटिस uh, बोल लो या आर्टरीज uh, ब्लॉक बोल लो हार्ट के प्रॉब्लम बोल लो निमोनिया बोल लो जो भी एनी बीमारी जो भी लाइफ स्टाइल की है वो सब इसी से आती है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं अपनी बॉडी की नहीं सुनते हैं और उसको सप्रेस करते हैं दवाइयों से है? तो आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे बुखार में कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए कोई भी किसी हमको सपोर्ट करना है बॉडी को ना कि उसके अगेंस्ट जाना है, है? अगेंस्ट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे वो, लेकिन दिन उतने ही लगने वाले हैं आप सप्रेस करोगे वही तीन चार दिन पांच दिन लगेंगे है लेकिन आपका कचरा अंदर ही रह जाएगा तो इसलिए जरूरी है कि कचरा अगर साफ करना है तो हमको इस चीज का क्या बोलते हैं इग्नोरेंस नहीं रहना चाहिए मतलब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस नो अबाउट दिस थिंग तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं जो हमको पता है इसके अलावा पता नहीं क्या क्या हो रहा है बॉडी के अंदर हमको तो कुछ पता ही नहीं है ईच एंड एवरी ऑर्गन इज वर्किंग ऑटोमेटिक ऑन देयर ओन कैसे आपको पता ही है कैसे सब चल रहा है अंदर अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है उसको बोलते हैं वीगस नर्व वीगस नर्व जो है वो ब्रेन्स को कनेक्ट करती है ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी बॉडी के जितने पेनक्रियाज हैं हार्ट है लिवर है, है या किडनीज हैं ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको वो कनेक्ट करती है थ्रू टू वे मैसेज तो वीगस नर्व ब्रेन से लेकर ईच एंड एवरी सबसे लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है तो क्या करती है ये जैसे कोई ऑर्गन को प्रॉब्लम है किडनी को कुछ इश्यू है तो किडनी क्या करती है एक मैसेज भेजती है ब्रेन को थ्रू नर्विगस नर्व जाके ब्रेन को बोलती है कि ये, इस, इस में जो किडनी है ना उसमें ये ये इश्यू है यूज कर रहा हूं लेकिन आप समझ सकते हो क्या होता होगा ठीक है वो इश्यू रिजॉल्व करने के लिए ब्रेन ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि तुम ये वाले ये वाला ग्लैंड ये वाला हॉर्मोन रिलीज करो तो वो हार्मोन रिलीज करके उसकी हेल्प करता है तो ब्रेन हमारा क्या हो गया कस्टमर केयर हेल्प सेंटर है? और बाकी सब हम अलग अलग जगह पे सब 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 परी रहे हैं तो ये वीगस नर्व को स्टूमुलेट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी लाइफ स्टाइल ही है एक तरह से योगा है प्राणायाम है वॉकिंग है रनिंग है अपना वर्कआउट्स है फिर ये मेडिटेशन है जो भी हम हाँ एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट वो सरिता जी के लैंग्वेज में मन जीरो पे है कि नहीं वो भी वेगस नर्व कोट करता है अगर मन हमारा जीरो पे है तो इसका मतलब हमारी वीगस नव हेल्दी रहेगी तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है तो बेसिकली हम ठीक है कचरा खाते हैं कचरा निकल नहीं पाता है फिर बुखार आता है हमारा ठीक हो जाता है लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए जितना रहेगा उतना अच्छा है यानी कि हम अभी फिर मेरे एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं क्योंकि आपका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको आपका पता होगा लेकिन मेरे एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पे मेरा मुझे जो अभी तक याद है जो उसके पहले मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है 2012 में मेरे को फीवर हुआ था उसके बाद 2022 में हुआ यानी कि ऑलमोस्ट दस साल बाद उसके बाद अभी हुआ मेरे को चौबीस में दो साल बाद ठीक है तो पहला जो मुझे याद है उसमें मैंने दवाइयां खाई थी उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी दवाइयां खाई थी तो आई डोंट कम्फर्ट लॉन्ग टाइम बट बॉडी इश्यूज भी मेरे अंदर नहीं आए अभी इसका क्या रीजन है मैं कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में लेकिन बाद में बाईस में आया फिर चौबीस में आया मैंने उसमें कोई दवाई नहीं ली है? और अपने आप ठीक होने दिया उसमें तो उसके बाद क्या होता है बॉडी जब क्लीन हो जाती है ना तो मोर यू फील मोर हेल्दी मोर लाइट है मोर एनर्जेटिक तो वो सब होम्यो सिस्टम चलता है तो ऐसे अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं जैसे इवन ब्लड जब हाथ कटेगा हमारा तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ब्लड निकलना शुरू हो जाए हो जाता है तो वो अगर चलता ही रहेगा तो क्या होगा सारे बॉडी का ब्लड खाली हो जाएगा लेकिन क्या होता है होम्योस्टेसिस सिस्टम से इसमें एक सिस्टम है जिसमें ब्लड क्लॉट होता है जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है जब ब्लड तो इसके लिए मक्के ब्लड क्लॉट होता है तो जो जहाँ पे कटा होता है वहां पे एक सील लग जाती है ब्लड अब बाहर नहीं आने देगी बॉडी बॉडी का तो अपने आप ब्लड क्लॉट होके सील लगे ये भी होम्योस्टेसिस है तो बॉडी में कितनी चीजें ऑटोमेटिक चल रही है हमको कुछ पता ही नहीं है हम सोचते कि हम कर रहे हैं ना तो हम ब्रेथ ब्रेथ पे हमारा कंट्रोल है ना किसी और पैंक्रियाज रिलीज कर रही है इंसुलिन वो भी हमको कब रिलीज करती है कब नहीं करती है हमको तो नहीं पता है लेकिन जब जरूरत है तब करती है।, है जब खाना जाता है उसको पचाने के लिए उसको आ, सेल्स में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है तो ऑल दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली चल रही है दुनिया बॉडी के अंदर ऐसे ही नेचर में भी चल रही हैं तो ये होम्योस्टेसिस नेचर का भी है और बॉडी का भी है हर एक जीव का भी है तो सब ऑटोमेटिक हो रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यही नानक का मैसेज भी है कि करता मैं नहीं हूं सबसे इंपॉर्टेंट गीता में भी यही मैसेज है जितने धर्म है सब में यही मैसेज होगा मैं बाकी स्टडी इतना नहीं किया हमने लेकिन मुझे मालूम है कि सब में वही चीज है तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ <laughs> अभी आप सबको जरा आप सब भी एक एक करके बात करिए सरिता जी जरा टेक ओवर कर सकते हैं आप प्लीज अगर नहीं सर आपने बहुत सुंदर नॉलेज दी है

इमरजेंसी से बाहर निकालने के लिए या लाइफ स्टाइल कम करने के लिए उसके लिए लाइफ स्टाइल की जरूरत है लेकिन डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है पे तो डॉक्टर का डॉक्टर के खिलाफ मैंने नहीं बोला है मैंने ये बोलना चाहा है कि सप्रेस नहीं बीमारी को इतना ही इतना ही बोला हाँ जी बोलिए आपने ना सिंह साहब ये बताया है एक्चुअली बॉडी बो, का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से चलता है ये चीज बताइए आपने बिल्कुल ठीक बताया तो वो बॉडी को भी जो हम जैसे मेरे मेरे मैं तो मतलब मेरा जो अपना ढंग है ना सोचने का तो उसमें जैसे हम जो डेली डे दे, टू डे रूटीन में जो मन की क्रेविंग की क्रेविंग्स वजह से जो हम मतलब मन की बॉन्डेज में आकर जब हम कॉन्शियसनेस से ना डिसीजन लेकर और करते हैं तो तब ये सारा कुछ बनता है हिसाब किताब जो टोटल हम बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं ना तो ये चीज सारा मन का ही खेल हो गया तो इसमें बॉडी पे तो सबसे पहले इफेक्ट आता है तो जो भी कुछ हमने मन से जो गलतियां करते हैं तो उसमें आ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिना मन पे कंट्रोल करे जैसे मैंने गुस्सा किया तो मेरे उसी समय जो है वैसे हार्मोन रिलीज हो जाएंगे जो बॉडी में, में पॉइजन फैला देंगे तो वो चीज मुझे पता नहीं चलती मुझे पता नहीं चलती उस समय तो मैंने कर दिया मजे मजे में कि मैं जो है कर रही हूं तो वो स्वभावश जो है कहूंगी ही कर दिया तो वो चीज में मैं रियलाइज ही नहीं करती कि तो वो जो होता है टोटल उसमें बाद में दिखाई देती है ना ये सारे दिखाई देते हैं कि जो जो भी आपने किया है ना ये ईगो से रिलेटेड पाप कर दी ईगो जो अटैच हो गई उसके साथ में मन के तो वो मुझे लगता है डिजीज तो वहां से स्टार्ट हो जाती है अब जो अभी भी जैसे मैं सेल्फ रियलाइज यदि हो जाती हूँ तो उसमें क्या होता है जो मन की जो चीजें हैं तो मैं मन को देखने तो अब जो बॉडी है वो मैं एज अ बॉड की तरह से उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी जब तक मेरी सेल्फ रियलाइजेशन मुझे तक उसने नहीं पहुंचाया तो वही मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मनुष्य सेल्फ रियलाइज नहीं होता तो वो बॉडी के साथ में जो इस तरीके की करता है ना हरकत तो वो तो चलती ही रहती है लेकिन इसमें होता है हर समय जो है ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और जो आपने ये बताया ना ऑटोमेटिक बॉडी का जो है वो अपने आप क्योर करती है एक तरीके से ब्रेन ये सब चीजें जो इन्वॉल्व है ऑटोमेटिक तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता हमारा रोल सिर्फ मन से ले, लेना देना है और कुछ भी नहीं है कि मन के साथ में हम हाँ बस भी ये होता है कि मन के हाथों आप गुलाम ना बने तो वो चीज जो है सबसे ज्यादा मैटर करती है अब जैसे मेरे को कभी कोई परेशानी आती है जैसे आपने अपनी भी बताई तो कुछ परेशानी आती है तो मैंने आज तक ही कोई भी एक भी टेबलेट खाती ही नहीं कभी तो वो जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती नहीं तो वो एक आ, आ, मतलब जैसे ये होता है ना कॉन्शियसनेस मेरी हमेशा डिटैच है उस चीज से तो वो बॉडी अपने आप ही दो तीन दिन में अपने आप क्योर कर देती है तो कभी आज तक कोई भी मेडिसिन मैंने तो ली ही नहीं है कभी लाइफ में ही नहीं दी लेकिन मेरे की जो गुस्से की जो मेरी टेंडेंसी है वो मुझे मेरे को पता चलता है ये वाली भी चीज अब मुझे देखने आ गई कि ये जो एकदम सडन जो एकदम मैं मेरा क्या होता है कि एकदम जो आया ना तो अब मैं रिएक्ट तो नहीं करती लेकिन फिर भी वो जो चीज जब तक वो रिएक्शन भी नहीं हुआ तो भी वो मुझे जला देती है वो चीज तो वो जो है अभी नहीं हुआ कंट्रोल मतलब उस वीकनेस पे नहीं हुआ तो पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूंगी तो मेरे को लगता है सेल्फ रियलाइज के बिना नहीं बात बनेगी बात नहीं बनेगी ये जो बॉडी को भी जो हम करते हैं ना ये तो उस उसमें मतलब सब कुछ जो है आपको ही भुगतना है क्योंकि जब तक इसमें बॉडी के अंदर हमारी ये कॉन्शियसनेस है तो तब तक जो है बनेगी नहीं मतलब बात यही है मेरा तो टोटल ना यही निचोड़ा है इसका और बाकी ये है कि जो फिजिकल कोई डिजीज ऐसी आ, आ जाती है जिसमें जैसे सपोज कीजिए पेन ही बहुत जबरदस्त हो गया तो फिजिकल जब तक डॉक्टर रिलीफ नहीं देगा या वो अनबियरेबल पेन है तो वो तो फिजिकल डॉक्टर की तो आपको हमेशा ही नींद पड़ेगी क्योंकि आप कर चुके ना उतना तो डिस्ट्रॉय कर चुके हो आप ये चीजें चलिए इससे नीलम मुंगा जी इसकी सुन लेते हैं फिर उसके बाद में एक एक, एक करके सब बोल देंगे ठीक है हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है आज आपकी आवाज मैं ये कह रही हूँ मुझे आपने याद दिला दिए मेरे वो 1975 से पहले जो पढ़ने के दिन थे ना वो याद दिला दिए कैसे हम बुक्स में पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के हमारी गर्दन ही नीचे रेगुलरली नीचे ही रहती थी ऊपर होती नहीं थी गर्दन इतना हमने पढ़ाई कर रही थी वो दिन याद आ गए बेसिकली मैं कह रही हूँ कि ये सारा ना बड़ी केयरफुल साहब ने कहा दवाई नहीं लेनी चाहिए पर कौन से लेवल तक दवाई नहीं लेनी चाहिए आप आपको 104 चार बुखार है और आपके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो रही है तो वो बढ़ती जाएगी अब एक लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हो बट इफ़ यू यू आर हैविंग प्रॉब्लम देन यू हैव टू विजिट ए डॉक्टर वेरी केयरफुल एंड अवेयर आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए कि कौन से लेवल तक हम अपने आप मैनेज कर सकते हैं और कौन से लेवल पे वी हैव टू विजिट ए डॉक्टर अब सरिता जी घर में रहती हैं सरिता जी को बाहर का एक्सपोजर नहीं है वो बिना दवाई लिए रह सकती हैं तो हमारे छोटे बच्चे हैं जो वर्किंग हैं और उनका एक्सपोजर सारी दुनिया से एक्सपोजर होता है उन्होंने अपने छोटे बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना है उनकी पे, पे, उनकी मीटिंग है पेरेंट टीचर मीटिंग है उसमें भी जाना है। दिन रात उनका एक्सपोजर है दे आर वर्किंग दे आर एक्टिव लाइफ मोड तो उनको एक्सपोजर से बचने के लिए कभी कभी एंटीबायोटिक लेनी इट so तो ठीक है हैव टू टेक इट डॉक्टर ये मैं अपने आप मैनेज कर सकता हूँ कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है तो एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जो आपको बिल्कुल आपको पर्सनली जानता हूँ इन एंड आउट जानता हूँ वो जरूर होना चाहिए एक एक सबकी ये टेंडेंसी होती है कि दो दिन इसके पास गए दो दिन उसके पास गए ऐसे नहीं यू शुड हैव ए रेगुलर डॉक्टर हु शुड नोज योर बॉडी हु नोज़ योर फैमिली हिस्ट्री हु नोज़ योर साइकोलॉजी एवरीथिंग और आपकी सबकी टॉलरेंस उतनी नहीं होती कोई दो नब्बे बुखार नाइनटी नाइन बुखार में शोर मचा देता है और कोई हंड्रेड फोर में भी छोड़ नहीं चाहता तो फैमिली डॉक्टर नोज ऑल तो एक सलाह होगी एक तो अपनी बॉडी को ध्यान से पहचानो दूसरे अपनी सरकम के हिसाब से एक्ट करो so, आपको जरूर जाना है अपनी मीटिंग में और आपको फीवर हो रहा है तो मेडिसिन लेके जाओगे ना एक सौ चार बुखार में आप वैसे तो नहीं जाओगे बिकॉज यू आर बॉडी वीक यू आर एक्सपोज टू इन्फेक्शन यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन

तो देखे आपका क्वेश्चन वैलिड है लेकिन उसका सलूशन क्या है वो जो मैं प्रैक्टिकली करता हूं वो आपको मैं बताऊंगा तो पहले सुन लेते हैं बाकी को भी क्योंकि क्या होगा फिर बार बार आना ठीक नहीं है बीच में तो लेट अस लेट एवरीबॉडी स्पीक देयर व्यूज ऑन दिस ठीक है उसके बाद फिर अगर ठीक है ओके नहीं मुझे कुछ नहीं बोला आज एवरीथिंग इज फाइन कोई कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई कमेंट जी ओके जो और कोई बोलना चाहता है पूर्णिमा जी पूर्णिमा जी आप बोलिए ना जो आपने बोला आई एग्री सो बिल्कुल सही है नेचर के साथ जितना कनेक्ट होके हम जी अपना डेली जीवन जिएंगे बट वही है कि हम वो जो सरिता जी ने कहा मन के मन को नहीं देखकर और सब लालचों में आ जाते हैं एंड देन वी डिस्ट्रॉय आवर अपने जब हम जब बेबी हो बेबी को देखिए ना वो बेबी कितना सॉफ्ट स्किन सब कुछ धीरे-धीरे धीरे-धीरे कैसे वो आ, हम उसमें ट्रैप में आ जाते हैं व्हाट नीलम जी सेड कि एक्सपोजर होता है दैट्स ट्रू बट अगेन इट्स इन आवर हैंड्स हम अपनी इम्यूनिटी को कितना बिल्ड कर रहे हैं उससे कितना uh,

वहां से शुरू होती है सारी कहानी अब सिंह साहब आप आप इतनी डिसिप्लिन uh, जो आप, uh, अपना डेली लाइफ में आई थिंक डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम योर हार्ड कमिटमेंट एंड कमिटमेंट अगेन वो आपके मन पर ही है ना कि ये मुझको नहीं खाना है ये मेरे लिए ठीक नहीं है हम क्या इनटेक कर रहे हैं आई थिंक वो इनटेक इतना गड़बड़ हो गया आजकल कि हेल्थ हैज गॉन फॉर अ टॉस द इनटेक हैज बिकम इवन द होल साइकिल आई फील इज साइकिल्स दैट्स द मेन रीजन पूरा साइकिल पूरा पूरा जो फूड साइकिल है वही उसी में गड़बड़ है बट अगेन इट इज आर इट्स इन आर हाउ वी हाउ वी अंडरस्टैंड एंड हाउ वी कंज्यूम थिंग्स एनी थिंग चाहे वो विचार ही हम कोई कंज्यूम क्यों ना कर रहे फूड इज नॉट जस्ट ओनली मेरे को तो ये लगता है कि हमारा मेंटल लेवल जब तक ठीक नहीं होता आपकी वो हेल्थ पे भी आता है तो हम कौन सा विचार के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो भी आपको वो आप, आपका डिजेशन गोज फॉर अ टॉस सो इट्स इंटरलिंक्ड व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली आई आई एम इन एग्रीमेंट सो जी बस बहुत ही ठीक बोला मैं भी यही मेरी यही सोच है बिल्कुल यही सोच है हुँ. हाँ तो मोना जी आप बोलिए प्लीज मुझे कुछ नहीं बोलना मुझे ये पूछना था ये जो आप उन्हें बताया फीवर आ, आना चाहिए फीवर नहीं आता तो जब नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं नहीं आता फीवर बस इतना ही क्वेश्चन है हाँ जी अच्छा ठीक है ओके तो क्या है जब फीवर नहीं आ रहा है उस टाइम अपने आप को तो बॉडी तो नजर आती है ना हमारी बॉडी में कुछ इश्यू है दर्द है पेन है कुछ है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है फीवर क्यों आता है जब बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो फीवर देती है बॉडी ठीक है तो इसमें मैं नीलम जी का भी थोड़ा क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करूंगा क्या है 104 105 बुखार जो है ना वो आप सही बोल रहे हैं कि ब्रेन को इफेक्ट करेगा वो क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर ब्रेन इट माइट डिस्ट्रॉय सम नर्व्स इन द ब्रेन ठीक है ना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब बॉडी के अंदर कचरा बहुत ज्यादा है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन उसको कैसे संभालना है दवाई से नहीं संभालना है उस वक्त क्योंकि हम बुखार से डील कर रहे हैं ना कि किसी आ, ऐसी बीमारी से जो जो हमको बहुत तकलीफ दे रही हो मतलब जैसे अर्थराइटिस है जो घुटने पेन कर रहे हैं चल नहीं सकते हैं तो क्या करें उस वक्त हम डॉक्टर के पास जाके दवाई ले ही नहीं पड़ेगी एकदम लाइफ स्टाइल चेंज करने से कुछ इंप्रूवमेंट इमीडिएटली नहीं होने वाला है, है? तो वहां पर लेकिन बुखार में क्या करना है सर पे कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर की पट्टियां रखनी है, है कोली खाने के बजाय जब पट्टियां रखेंगे सर के ऊपर तो बुखार आपका थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा लेकिन दवाईस जो होगा ना वो सप्रेस नहीं होगा समझिए फिर धीरे से ऊपर आएगा फिर आएगा वो बॉडी भी समझ जाएगी कि मेरे को ज्यादा ऊपर नहीं जाना है क्योंकि मैं ऊपर जाती हूँ तो फिर कोई नीचे है मेरे को लेकिन दवाई से जो आता है ना वो बुखार टूट जाता है या चला जाता है उसकी वजह से कचरा जो बॉडी का कचरा बॉडी में ही रह जाता है, है? तो हमको ये पूरा कचरा निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ मेरा खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मैंने मेरे बहुत लोगों को जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं जिनको हम हम आपस में बात करते हुए रहते हैं जैसे इस ग्रुप में तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो मे भी आप में भी कुछ लोग होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे आप तो कोर्ट टीम में हो मे भी और लोग भी हैं यहाँ पे जो आते नहीं है लेकिन जो भी है कुछ फॉलो करते भी होंगे तो ये जो है दवाई और एंटीबायोटिक तो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए उसका भी रीजन बताता हूँ क्यों जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की तो खाने ही पड़ेगी नहीं तो आदमी मर जाएगा ठीक है ऐसा पॉसिबल है जो नीलम जी बोल रही है ठीक है तो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए क्यों होना चाहिए लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक से गट गट के अंदर हमारा बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाता है जब गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा तो हमारा बॉडी का ऑपरेशन जो है ना वो इराहटिक हो जाएगा है? हमारा जो स्टूल पास होना या यूरिन आना या बाकी चीजें हैं वो इराहटिक हो जाएंगी बॉडी को और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी क्यों एक बार हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हंड्रेड ट्रिलियन माइक्रोब्स इन अवर बॉडी अपने सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बॉडी के माइक्रोब जो फॉरेनर वहां रह रहे हैं लोग जो रह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड ट्रिलियन लोग रह रहे हैं उनको हम दवाई से किल कर देंगे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं जो हमारा फाइबर खा रहे हैं सफाई कर रहे हैं पेट की है? जो हमारे खाने को डायजेस्ट कर रहे हैं है? जो हमारे खाने को कर रहे जो खाने को न्यूट्रिएंट्स को सेल्स इच, सेल्स में नॉक करके डोर पहुंचाते हैं इच एवरी सेल में कि उठो मैं दवाई आपके लिए न्यूट्रेंट लेके आया हूँ वो काम इंसुलिन करती है इंसुलिन जब पेंक्रिया से निकलती है तो ब्लड में जाती है ब्लड में जाने के बाद वो ईच एवरी सेल के पास जाके नॉक करती है नॉक नॉक आई एम हेयर टेक योर फूड तो इंसुलिन का काम ही होता है तो जो भी चीजें हैं बॉडी में ऑटोमेटिक हो रही हैं हम अपनी तरफ से इंटरफेयर जितना कम करें उतना ही अच्छा है एंटीबायोटिक लेनी है जरूरी बहुत जरूरी है तो लो लेकिन हर स्मॉल फीवर में या छोटा इंफेक्शन में एंटीबायोटिक लेना ठीक नहीं है

मेरी हमको जब बचपन में बुखार होता था तो पट्टी हाँ। सिस्टम ही पहले आता था फिर दवाई आती थी लेकिन अभी जो पूरा लाइफ स्टाइल जो इतना आई वुड से पथेटिक हो गया है कि अभी जैसे नीलम जी ने बोला कि मीटिंग है भागना है सो प्रायोरिटीज बदल गई है प्रायोरिटीज आपकी बॉडी आपकी हेल्थ तो ये रह गई ना प्रायोरिटीज हो गई अभी भागना है अभी मीटिंग अटेंड करनी है अभी उसके साथ मिलना है सो आ प्रायरिटीज है अभी जो भी क्विक बनता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं जिसमें मेहनत करनी पड़ी है टाइम ज्यादा लग रहा है उसके लिए इंसान के पास अपने लिए टाइम नहीं है सो द होल साइकिल अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम वेर आर वी स्टैंडिंग खड़े कहां है हम हमको चाहिए क्या कंज्यूमरिज्म हैज इंक्रीज्ड सो द मनी साइकिल द वी नीड मोर मनी टू फुलफिल आवर वाटर आई से वांट्स रादर देन नीड्स तो ये सारा आई विश वी कैन गेट दैट वी वी हम सब उस जगह पर आ पाए और ऐसा क्लियर सोच पाए उसके बाद फिर आसपास का जो माहौल है वो भी बड़ा गड़बड़ है सो इट इज नॉट दैट इजी इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ईजी हो जाएगा अगर हम उससे कमिटमेंट ले लें कि हमें किसी और से नहीं हमें तो अपना देखना है मीटिंग है तो है जो होगा होगा हम अभी मेरे को रेस्ट की जरूरत है मुझे ये टाइम देना है अपनी बॉडी को तो देना है फुल स्टॉप सो अनफॉर्चुनेटली वो हमारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट बचपन में हमें पट्टियां लगाते थे हमें दवाई बच्चों को तो अवॉइड ही करते थे ना कि सिरप्स होते थे थोड़े माइल्ड सिरप्स दे दिया दवाई कहाँ देते दे दे थे लेकिन अभी बिल्कुल देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है बच्चे को भी भेजना है आपको तो वो सारा जो है साइकिल ही पूरा अनफॉर्चुनेटली गड़बड़ हो गया है तो उसपे काम करने की सब कोई जरूरत है हम सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जी आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट उसका सोल्यूशन भी दे ज्यादातर यह लोग यही करते हैं जो आप बोल रहे हो ज्यादातर क्योंकि क्या होता है उनको ऑफिस जाना होता है लेकिन थोड़ी पता है कि मुझे ऑफिस जाना है मुझे रेस्ट चाहिए ऑफिस ले जा रहे हो दवाई खा के समझ गए ना अब दवाई खाने, खाने का टाइम है। आपने क्या थी? तो किया दुनिया में क्या हो रहा है अरे भाई वो बीस मिनट आपको जो भोजन मिला है उसका शुक्रिया तो कर लो पहले खा तो लो उसके साथ भी न्यूज पेपर टिका देते हैं कि टाइम नहीं है अपडेट्स लेने जरा सी आ जाएगी बॉडी बिचारी एक बार बताऊँ आपको इसमें अहम का बहुत बड़ा रोल है Hmm. जो आपने जो बात बोली ना अहम का वो, मेरे बिना वहां क्या होगा या मेरा क्या होगा एग्जैक्टली exactly. <laughs> ये प्रॉब्लम है बस और कुछ नहीं है ये अहम जब चला जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा बीमार <laughs> है बॉडी को रेस्ट चाहिए डाइजेस्टिव लोड का रेस्ट चाहिए और फिजिकल रेस्ट चाहिए नहीं दोगे तो आप लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अच्छा एक बात और बता दू मैं ये जपजी साहब में है सबसे बड़ा पाप क्या है सबसे बड़ा नहीं एक ही पाप एक ही होता है सिर्फ वो है इग्नोरेंस बस ऑल। या अहम। तो ये इग्नोरेंस और अहम तो दोनों चोली दामन का साथ है दोनों का तो अहम और इग्नोरेंस की वजह से हम जो काम करते हैं वो सबसे बड़ा पाप वही पाप है ही वही सबसे बड़ा भी क्या बोलूंगा वही पाप है सिर्फ और जो हम अवेयरनेस में काम करेंगे नॉलेज में करेंगे सब कुछ करेंगे वही पुण्य है बस ये समझ में आ गया तो सब ठीक हो जाएगा जो आपने ये पॉइंट आपका बहुत ही बढ़िया उठाया आपने कि हम क्यों ऐसा करते हैं पता होते हैं भी इसका इग्नोरेंस में है हम गलत काम कर रहे हैं तो ये जो काम है इसको सही हो जाएगा अपने आप जो हमारा अहम पे हम कुछ काम करना शुरू करेंगे ये सिंह साहब ये अनामिका जी रह गई में अनामिका जी प्लीज अनामिका जी नहीं बहुत अच्छा है मतलब सिंह साहब जी मतलब मतलब जानते सब ही है लेकिन उस पर <laughs> अमल नहीं करते हैं ये बात यही है कि मतलब मन का और सबसे ज्यादा वही वही आएगा अहम और इग्नोरेंस ही जानते हुए ना वो... ना अमल करना भी वही है सेम दे, देस नो डिफरेंस राइट और पूर्णिमा जी ने तो बहुत ही अच्छा बोला है बहुत बढ़िया मैं खुद भी मेरा एक शेयर करूंगी कि मुझे सोराइसिस है जी हाँ। और अभी जब से लाइक जैसे अभी एक बीच में मैंने गीता सेशन पूरा बन किया था काफी बढ़ गया था लेकिन अभी जब से मन पे काम कर रही हूँ मैंने अभी कुछ उसके लिए ले नहीं रही हूँ मैं पहले भी नहीं ले रही थी क्योंकि जब मैं उसको दबाती हूँ तो मुझे दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं स्किन के और अभी लाइक मन से शांत हूँ तो काफी मतलब जल्दी जल्दी वो काफी जो ज्यादा पैचेस नहीं है लेकिन जो पैचेस है वो ठीक हो रहे हैं तो मन को मेरे को लगता है स्थिर करना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल, वाणी जो, जो शुरू करेंगे ना ही मन का ही बताया है उसमें कि मन के साथ में जो कॉन्शियसनेस अटैच हो जाती है ना तो वो मन के गुलाम हो जाती है उससे पहले फ्री करना पड़ता है अपने आप को जैसे इवन आप पानी का ग्लास भी ले रहे हैं ना तो आप उसको भी जैसे कहते हैं ना पूरी तरह से अवेयरनेस फिलो तो नॉलेज हो गई अवेयरनेस मतलब नॉलेज में कि आपकी रिक्वायरमेंट है है क्या नहीं मतलब बॉडी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो आप डिसाइडिंग फैक्टर हो हो मन ना हो उसके लिए ये एक सवाल मेरे मन में आता है हमेशा मेबी अभी टाइम नहीं है सरिता जी whenever, ये हम इतनी बात करते हैं मन है अहम है ये सारी वृत्तियां हैं काम क्रोध लोभ मोह ईश्वर ने मतलब ये हम हमें हम हमने अपने आप तो नहीं बनाई आई है ना ये दी क्यों हमको फिर ये दी गई है या ये हमेशा से थी या ये वो हो गई है अब, आ, मतलब इट्स लाइक like, अगर ईगो है तो उसका अपना एक रोल है बट वी यू हमने यूज किया यू, like इसका ना सादा बना देते, सादा बना देते क्यों आ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया सारी इमोशंस भी डाल दी हार्मोस भी डाल दिए फिर वो अपना काम करेंगे ही करेंगे इतना कर कॉम्प्लिकेट नहीं नहीं हमारा ना ये प्रकृति ने ने दिया ये शक्तियां है ना ये सब तो पावर है कार में होती है ना चीजें जैसे पेट्रोल भी है वो पेट्रोल जला भी तो सकता है ना लेकिन उसको यूज भी कर सकते हैं तो ये यूज हम नहीं करते ना हम मन के हाथों से तो हमें यूज नहीं करना आता कि कहाँ पर तो हमें ग्रोथ करना है कहाँ पर क्या चीज करनी है तो ये चीज हमने मिस यूज कर देते हैं ना उस चीज का तो तो जो, जो चीज है तो कोई भी जो चीज को आप यूज करोगे पहले तो वो यदि ईगो यूज करती है तो वो पहले अपनी तबाही करती है उसको लगता है मैं दूसरे को वर्ल्ड को खत्म कर रही हूँ लेकिन वो सबसे पहले अपने आप को तबाह करती है कोई भी आप देखिए कि गलत एक्शन जो भी निकलता है ना तो पहले वो हमको स्वयं को बहुत देर तक खा रहा होता है वो एक्शन करने से पहले ही और जब हम उसको करके गुजर जाते हैं तो हम समझते हैं बाहर में हमने कर दिया तो वो पहले हमारी बॉडी पे कर चुका होता है वो सर हम्म पूरी एक तरह से अवेयरनेस बार-बार बार-बार वही आएगी घूम फिर के वही चीज आएगी नीलम जी बोलेंगी शायद बोलना चाहती हैं कुछ मैं बोलूंगी फिर मोना को बोलने अच्छा वो ये इसमें मुझे एक याद आया एक जैसे भगवान ने कुआं बनाया है अब वो भगवान ने तो वो प्यास बुझाने के लिए बनाया है ना अब कोई उसमें सुसाइड कर ले तो इसमें तो भगवान का कोई कसूर नहीं ना ठीक <laughs> है नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि कॉन्शियसनेस और उसमें ना हमें फर्क ही नहीं पता ना हमें अपनी नॉलेज नहीं है सेल्फ की नॉलेज होते ही काम खत्म हो जाता है सेल्फ की नॉलेज मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ घमस्ती में चलेगा है ना कॉन्शियसनेस का तो कोई नाश नहीं है ना पहले अपने तत्त्व तक जाना पड़ेगा जैसे कहते हैं ब्रह्म नहीं ये शरीर बनाया और फिर उसके बाद में वो स्वयं को भूल गया कि मैं था कौन उस वो भूलने की दवाई उसने खा ली ऐसा चीज बताई जाती है तो मैं स्वयं वही हूँ तो ये चीज उस पे जाना पड़ता है बार-बार शरीर भाव से आपको अलग जाना कॉन्शियसनेस है ना जैसे एक एक वो था एक प्लास्टिक का तो वो है उसमें सेल लगाते ही वो जो है बोलना शुरू कर दिया उसने तो कॉन्शियसनेस तो आई ही नहीं ना उसको कॉन्शियसनेस को किसी ने नहीं बनाया है और ना उसको कोई मिटा सकता स्वयं है वो स्वयं है ना मैं बोलूं दो हाँ जी यहाँ पे दो प्रश्न उठाए गए हैं नीला बोंगा बोल रही हूँ आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है नीलम जी बोलिए अच्छा तो एक सवाल उठाया गया है कि बॉन्ट एंड नीड अब सारा संसार नीड से ज्यादा बॉन्ट के पीछे भाग रहा है और ईगो ईगो जो है ना ये ईगो बहुत ही परेशान कर रही है लोगों को उसकी गाड़ी बड़ी है मेरी गाड़ी छोटी तो है अब वो आप अपनी कहते थे ना पुराने लोग जितनी चादर है उतने ही पैर फस है वो सब भूल गए अब कंपटीशन है किल, किल करने वाला कंपटीशन है और हर कोई हर कोई अपनी मैं को सबसे ऊपर रखना चाहता है मेरा घर हो तो बहुत बढ़िया हो मेरी गाड़ी हो तो बहुत बढ़िया हो मेरे बच्चे हो तो बहुत बढ़िया स्कूल में जाएं वेदर आई कैन अफोर्ड इट और नॉट बैलेंस खत्म हो गया है न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं आपस में पीस ऑफ माइंड जो घर में एक जॉइंट फैमिली में ऑटोमेटिक पीस ऑफ माइंड आती थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई जॉइंट फैमिली है सबको टाइम की इतनी रिस्ट्रेंट है सब भाग रहे हैं हस्बैंड भी भाग रहा है जॉब पे वाइफ भी भाग रही है जॉब पे बच्चे को कौन देखेगा बच्चे को कौन संस्कार देगा सारा सिस्टम ही बदल गया है और इतनी खराब हालत हो गई है कि इसको वापस लाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे बेसिक स्टार्ट होना चाहिए स्कूल लेवल पे अब ये जो लोग करिकुलम बनाते हैं जो बुक्स बनाते हैं एन टी वगैरह इन लोगों का काम है अब रिवाइज करें और कम से कम इंडिया को उस डूम्स पे मत जाने दें जहाँ सारी दुनिया पहुंची गई है और दूसरी बात ये बात कर रहे थे कि भगवान ने दिए हैं हमको इमोशन एक परमात्मा है एक जीवात्मा है जीवात्मा जो आप जन्म लेते हो तो जीवात्मा शुद्ध बुद्ध होती है छोटा बच्चा इतना शुद्ध बुद्ध होता है धीरे धीरे अपनी उसकी कुछ कुछ तो पुराने जन्म के संस्कार लेके आता है कुछ यहाँ पे हो जाता है आसपास के लोगों से उसका अडेप्टशन करते, करते 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 वो सारे जो अच्छे ब, अच्छे बुरे संस्कार जो है ना सब वो यहीं से पिकअप कर लेता है अपनी सराउंडिंग से कुछ माता पिता कुछ स्कूल कुछ नेबर कुछ फ्रेंड हर तरह से वो तो नए तरह की चीजें ले लेता है अब हमने भगवत गीता में ये भी पढ़ा है कि तीन तरह की गुण होते हैं तामसिक राशिक और सात्विक अब आपकी सारी चीजें मैटर करती हैं आप कितनी जो ज़्यादा टाइम तामसिक रहते हो कितने ज़्यादा टाइम राज सीख रहते हो कितने ज़्यादा टाइम रहते हो ये फिर वही आपके अपब्रिंगिंग पे आपके पिछले जन्म के संस्कारों पे इन दोनों चीज़ों पे मैटर करता है तो ये बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है और टीचर्स और ये स्पिरिचुअल लीडर्स ये दो लोग हैं और पेरेंट्स पेरेंट्स अगर सोच लें कि एक इनकम में हम कर लेंगे तो आजकल के ज़माने में होता नहीं है अगर तो, कोई एक हिम्मत करके स्टेप ले ले और एक मदर का काम है बच्चों को संस्कार देना और हस्बैंड का काम है जाके कमाई करना ये तो वापस सिस्टम में आना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है बट वी एट ए स्मॉलर लेवल वी कैन स्टार्ट डूइंग दिस स्परिचुअल लेवल पे हो स्पिरिचुअल लीडर्स कर सकते हैं टीचर्स कर सकते हैं टीचर्स को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देनी चाहिए और संस्कार कैसे डालने हैं बच्चों में है, वो होना चाहिए अब <laughs> इस लिए तो, ना नीलम जी ये जो आप बोल रहे हैं ना बड़ा चाहिए बहुत ही बड़ा सब सेल्फ जब तक सेल्फ को अपने जानने की कोशिश नहीं की जाएगी ना जैसे बच्चा भी जो पुराना अपना लेकर आया हुआ है सारा बैगेज अब कहते हैं ना जैसे अच्छे उसमें बुद्ध पुरुषों के घरों में जन्म होता है जब हम अपने सेल्फ की तरफ पर जानने की शुरू करते हैं तो जैसे अब उसका था बुद्ध थे तो वो निकल गए थे तो ऐसा नहीं था कि वो पेरेंट्स तो फंसे ही थे ना संसार में तो पेरेंट्स और वो सब चीजें नहीं होती ये अपनी एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ अपने मन से बार बार, बार बात करनी पड़ती है इंसान को बार, बार 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 काम भी करने में कुछ मैटर नहीं होता कुछ भी चीज का लेकिन जो मन के हाथों गुलाम हो जाता है ना जैसे मेरे पास भी टाइम स्पेयर बहुत है तो अब यदि मैं खाली टाइम में अपना कुछ कर लेती हूँ मैं हाउस वाइफ होने के बाद में भी बाहर के लोगों से भी ज्यादा बिजी हूँ जैसे इस समय तो वो नॉलेज यदि मैं अपने सेल्फ में एस्टेब्लिश होकर जो सब कुछ कर रही हूँ तो मेरे लिए कोई बैगेज थोड़ी ना कुछ भी करना नहीं करना वो शरीर करता रहता है अपने आप करता रहता है कोई मैटर नहीं होता उसमें बुद्धि भी करती रहती है अपना काम सब कुछ करती रहती है आराम से होती है काम की पोटेंशियलिटी तो बहुत ज्यादा होती है मनुष्य में लेकिन ईगो ने जो सपने देख लिए होते हैं ना तो सपने जो आप पेरेंट्स की जो बात कर रहे हैं मदर्स की सपने इतने जबरदस्त होने लग गए ना तो वही तो, रेड रेस में फंसी पड़ी हैं तो वो बच्चों को भी उसी रेस में डालती हैं जबरदस्ती डालती हैं और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि उसमें रट्टा वाला जो हिसाब किताब चलता है तो वो भी चलता ही है तो सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो चीज है वो तो चैप्टर ओवर ही हो गया ना सेल्फ रियलाइज तो हाँ तो सेल्फ रियलाइजेशन तो उसकी तरफ पर तो यदि मदर को ज्ञान है जैसे अब आज की डेट में मुझे है जैसे कोई चीज का तो उसमें वैसे ये वो जो जागृति थी, थी मेरे अंदर तो शुरू से ही थी क्योंकि मैंने तो ऐसे उसमें घर में जन्म लिया तो कभी रेड रेस में नहीं फंसाया जैसे अब घर में बच्चे को भी पढ़ाते थे करते थे तो उसको सपने नहीं दिखाए कि तुमको ये बनना है या वो बनना है ऐसा नहीं है अपनी उसकी पोटेंशियलिटी देखी कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो उस चीज को जो है आगे बढ़ाया तो ऐसा जो चीज होती है मेरे ख्याल से ये अः इसको ब्लेम नहीं कर सकते इसमें सेल्फ की क्रियोसिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अपने आप को कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ अपने आप से बात करने की बहुत जरूरत होती है शरीर को इग्नोर करके मैं इससे इतना परेशान होता हूँ तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ इतनी भागदौड़ ये चीज ना बार 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 सेल्फ टॉक भी बहुत ज्यादा जरूरी है